भोलेनाथ का बहुत ही पावन पवित्र। और यहाँ पे हम थोड़ा सा टीका चढ़ाएंगे और यहाँ से निकलेंगे भाई, अपने सफर की शुरुआत करेंगे। ग्राउंड है छोटा सा जहाँ के शायद मैच खेलते होंगे, पहाड़ी ग्राउंड। हम आ गए जंगल के बीच, बर्फ दिखा दो ताजी। भैया गाड़ी अच्छी चला लेता है, और कितनी मेहनत की है, ब्लॉग बनाने में भी बहुत मेहनत करता है भैया। इसे लाइक करो, सब्सक्राइबर करो और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को भैया। रोडू का जो मेन मार्केट है ना वो है भाई, देखो रोडू में आप देख सकते हो चहल पहल। ये प्यारी सी नदी है, और नदी तो क्या ही प्यारी सी है, नदी में पानी तो वैसे भी बहुत कम है भाई, ठीक है। गूगल मैप भी मैंने लगा रखा है बराबर, ये भाई यहाँ पे गूगल मैप लगा हुआ है। आज हम जा रहे हैं भाई उत्तराखंड, और उत्तराखंड में मैं जा रहा हूँ अपने उत्तरकाशी परोला, जहाँ की मेरा घर है भाई, तो ठीक है। बाकी आज जहाँ से हम आए थे ना भाई, मतलब शिमला से होके, तो आज उधर से नहीं, आज हम कुल्लू मनाली से जाने वाले, तो आपको कुल्लू मनाली का नजारा दिखाते हैं भाई, ठीक है। तो अपने सफर में निकलते हुए आपको पता है यहाँ पे शिव मंदिर है बाबा भोलेनाथ का, जहाँ की हमने शिवरात्रि मनाई थी भाई। तो भाई बाबा भोलेनाथ का बहुत ही पावन पवित्र ये मंदिर आप देख सकते हो, बहुत मस्त मंदिर है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा टीका चढ़ाएंगे और यहाँ से निकलेंगे भाई, अपने सफर की शुरुआत करेंगे भाई। भाई निकलते हैं फटाफट से, और बहुत दूर जाना है भाई, बहुत लंबा सफर है, रामपुर पहुंचने वाले हैं, ठीक है। और हमारे पास अभी फ्यूल भी कम है, तो फ्यूल भी डलवाएंगे भाई, रामपुर में ही फ्यूल डलवाएंगे। और आ रहा है गाड़ी भाई, ठीक है, देखो भाई, ये देखो भाई ट्रक लगे हुए भाई, हो गया था अभी कांड वीडियो बनाने के चक्कर में भाई, ब्लॉग बनाने के चक्कर में भी कांड हो गया। देख लो भाई अपना पेट्रोल पंप आ चुका है, यहाँ पे भाई जाम लगा हुआ खतरनाक जाम, देख लो भाई तेल भरवाने के लिए बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ, तो तेल भराने के लिए भाई बहुत भीड़ हो रखी है यहाँ पे सिस्टम। 2400 का भाई पेट्रोल भरवा रहे हैं और निकलते हैं भाई यहाँ से फटाफट। लो भाई मौसम है सुहाना और ब्लॉग अच्छा है बनाना भाई, पूरा फुल भाई सिस्टम। देख लो भाई नीचे नीचे देख लो भाई, नीचे एक ग्राउंड है छोटा सा, यहाँ के शायद मैच खेलते होंगे, पहाड़ी ग्राउंड। तुम्हारा भाई एक हाथ से चला रहा है गड्डी, देख लो भाई पूरी प्यारी रोड आ रही है, और तुम्हारा भाई रिस्क लेके भाई देखो ब्लॉग भी बना रहा है और ड्राइव भी कर रहा है भाई। देखो सेब का बगीचा दिखाता है, हिमाचल में जो सेब के बगीचे है ना भाई, तो मैंने बताया हम रोड से आ रहे हैं, ठीक है, और आए हम शिमला से थे भाई। रवि का जो रूट है ना वो हाईवे नहीं है, हम आए तो हाईवे से थे, लेकिन अभी हम जा रहे भाई पहाड़ वाले रास्ते से, ऐसा ऐसा बहुत खतरनाक हाइट में, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हाइट चेक करो भाई एक बार, और ये सामने का एरिया ना जो भाई, ये सारा बगीचा है, ये सारे भाई बगीचे है इधर पे, ये देखो भाई। Check this out guys, भाई बहुत प्यारी खूबसूरती भाई, अगर किसी को खूबसूरती देखनी है ना तो भाई यहाँ देखो भाई, अभी ऑक्सीजन है और सेब है नहीं, लेकिन जो ये पेड़ देख रहे ना, ये खाली पेड़ है, सेब के पेड़ है दोस्तों, और क्या प्यारा व्यू आ रहा है भाई यहाँ से, सामने का व्यू आप देखो भाई बहुत मस्त लग रहा है वैसे। और ये देखो भाई ये मकान यहाँ पे बीचों बीच, थोड़ा सा सुनसान लग रहा है क्योंकि अभी सीजन है नहीं, तो बहुत कम लोग मेरे हिसाब से, शायद बहुत कम लोग यहाँ होंगे, बाकी मौसम देखो यार बहुत प्यारा है। तो भाई अभी लगभग हम आ गए जंगल के बीच, और रोडू भाई यहाँ से कम अभी भी 25-30 किलोमीटर है, तो गाड़ियाँ आ रही है धड़ाधड़, रोड है बहुत हार्ड बोले भाई, कच्ची रोड, इलाका देख लो भाई पहाड़ का इलाका है, बर्फ की मुझे इधर खुशबू आ रही, ठंडी में संकेत आ रहे, बर्फ के संकेत अलकी अलकी भाई। और भाई अभी जा रहे हैं इधर से रोडू से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, रोडू से जा रहे हैं,
और जो आएंगे ना भाई वापसी में आऊंगा, वापसी भाई तुम्हारा भाई बाइक लेके आएगा, अपनी गड्डी लेके आएगा इधर भाई, और फिर हिमाचल में बनेंगे भाई ब्लॉग, है ना, खतरनाक ब्लॉग बनेंगे। मैं दोबारा आऊंगा भाई वापसी 2 तारीख को, और 2 तारीख को मैं घर ही हूँ भाई, 2 तारीख तक, 2 तारीख के बाद मैं वापसी एक बार फिर से अपनी साइड में आता हूँ भाई, जहाँ साइड चल रही है ना, तो उस्ताद नहीं आएंगे, गाड़ी भी नहीं आएगी, हम आएंगे अपनी बाइक को लेके भाई वापस। तो अभी फिलहाल आज के मजे लो और पूरा ब्लॉग देखो यार। भैया गाड़ी अच्छी चला लेता है, भैया को सिखाया है, और कितनी मेहनत की है, ब्लॉग बनाने में भी बहुत मेहनत करता है भैया। इसे लाइक करो, सब्सक्राइबर करो और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को भैया। तो देखो भाई उस्ताद नहीं गायब हो गए यार, हम इधर पार्टियों के बीच में ना पता ही नहीं चल रहा भाई, ऐसा लग रहा है कि हम तब से घूम ही रहे। चौका आने वाली बात आपको बताता हूँ भाई, ठीक है, जहाँ से हम चले थे ना हिमाचल रामपुर से भाई, तो 200 किलोमीटर है भाई पूरा लास्ट, ठीक है, जहाँ से मैं हूँ तो 200 किलोमीटर में से 70 किलोमीटर के आसपास चले अभी लगभग, मतलब यहाँ से 130 किलोमीटर और बच रहा है, तो लगा लो यार 70 किलोमीटर चले बस मात्र, क्योंकि रोड की कंडीशन आप देख सकते हो भाई, 20 से ऊपर कहाँ चलानी गाड़ी इधर देख लो भाई। देख रहे हो भाई बहुत प्यारा गांव है, एक छोटा सा गांव है जो भी है, मुझे तो पता नहीं चल गांव का, ठीक नहीं, देखो भाई इलाका देखो आप, वाव, आगे भी देखना है, वीडियो बनानी है और सफर के मजे भी लेंगे भाई, देख लो सिस्टम, चेक दिस आउट गाइस, ये देखो भाई स्वर्ग लग रहा है भाई, पूरा खतरनाक माहौल भाई, देख रहे हो भाई कितना खतरनाक माहौल है भाई, सिस्टम बना हुआ है पूरा, देख लो भाई एक बार सिस्टम बैंड देख लो भाई, तुम्हारा भाई गाटेगा एक की याद से, जैसे कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि आज पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, समझ नहीं आ रहा है भाई, पता ही नहीं चल रहा भाई इस जंगल में कि हम जा कहां रहे, क्या हो रहा है हमारे साथ, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम वहीं घूमे जा रहे हैं बस, इधर से उधर देख लो भाई, मंदर मामा फटा पजामा देख लो भाई ये है रोडू मार्केट, स्टार्ट हो गया है और देख सकते हो आप क्या मस्त लग रहा है भाई इधर। हर जगह ना भाई सेब के पेड़ है भाई, और कुछ नहीं आपको हिमाचल में मिलेगा, सब लोगों को पता है, मुझे तो बोलने की जरूरत भी नहीं है कि यहाँ कितना सेब होता है भाई हिमाचल में भाई साहब। ये जो डिजाइन है ना यहाँ के मकानों की, ये बहुत डिफरेंट है भाई, ये बहुत खतरनाक है इनका, इनका जो शेप है खतरनाक ही सिस्टम है भाई इसका। देखो भाई इस एंगल में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, ताकि पीछे का भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और इधर से भी दिख रहा है, इधर से भी दिख रहा है भाई, है ना मस्त एंगल। और मौसम जो है ना भाई बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है, व्यू काफी अच्छा व्यू आ रहा है, एकदम मस्त व्यू आ रहा है भाई इधर साइड। और रोड को जो मेन मार्केट है ना वहाँ पे मांगे भाई, जो कि भाई बहुत प्यारा दिखता है, ये देखो भाई ये भाई रोडू में हम इस टाइम, और रोडू का जो मेन मार्केट है ना वो है भाई, देखो रोडू में आप देख सकते हो चहल पहल दोनों जगह से, आप देख सकते हो भाई इधर से भाई पीछे का पूरा एरिया, और इधर से भाई ये मार्केट देखो, ये चौक है भाई यहाँ पे, और देखो भाई मौसम कितना प्यारा बना हुआ है, मौसम बहुत सुहाना है, और मौसम है सुहाना, ब्लॉग अच्छा है बनाना, ये टोपी वाले सर को देख लो भाई एक बार, सिस्टम ये देखो, इधर से जाएंगे त्यूनी, और ये पता नहीं कौन सा रूट है भाई, ठीक है, और इधर से हम त्यूनी को जाएंगे, अभी धूप लग रही है ना, इधर से धूप चमक रही है भाई, और ये देखो यहाँ पे ना सेब के पेड़ बेचे जा रहे हैं भाई, लगाइए भाई इधर लगा भैया, त्यूनी प्रोला इधर ही ना,
तिवनी परोला इधर से। चल भाई सीधा जाना है भाई सीधा। और भैया बोल रहे थे कि इधर से हाईवे पे जाना है, इधर मतलब हाईवे होने वाला है भाई। ये देखो नीचे देखो भाई बस स्टैंड भाई साहब। ये तो बस अड्डा है इधर, ये बस अड्डा है और इधर हमें जाना है भाई। 100 किलोमीटर चलने के बाद हमें फाइनली हाईवे मिल चुका है और हम अभी हाईवे पे हैं भाई। ठीक है ये रहा भाई हाईवे और 100 किलोमीटर में हम भाई ऊपर नीचे खाबड़ धूबड़ पता नहीं क्या क्या था भाई। ठीक है बाकी ये देखो भाई नदी का लेवल देखो भाई, ये प्यारी सी नदी है और नदी तो क्या ही प्यारी सी है, नदी में पानी तो वैसे भी बहुत कम है भाई। ठीक है लेकिन अभी हम नदी के लेवल में चल रहे हैं और गूगल मैप भी मैंने लगा रखा है बराबर। ये भाई यहाँ पे गूगल मैप लगा हुआ है। अब यहाँ से फुराट बनाते हैं भाई, फूफा बनाते हैं और थोड़ा औसत निकालते हैं जरा। 3 घंटे हो गए लगभग, 3 घंटे में 100 किलोमीटर चल पाए अभी तक। आपने देखा होगा भाई ऊपर नीचे कच्ची रोड, लेकिन अभी हमें पक्का मिला है फाइनली भाई। ठीक है और अभी देखते हैं कितना यहाँ पे मतलब जो ये हाईवे है ना कितनी दूर तक है। मुझे तो लगता कि 20-30 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक होगा। अब यहाँ से देखना होगा कितना हाईवे है फिलहाल, तो ये हाईवे के मजे लेते हैं और आप भी लो भाई हमारे साथ ये वीडियो देख के। और त्यूनी हम पहुंच चुके हैं और अभी बज रहे हैं भाई 5। यहाँ से परोला है भाई 65 किलोमीटर भाई। देख लो भाई ये है त्यूनी मार्केट और छोटा सा मार्केट है लेकिन भाई यहाँ आपको सब चीजें मिल जाएंगी भाई, सारी चीजें। लड़कियां देखो भाई इधर। तो भाई 5 बज गए हैं और लगभग 6 बजे के आसपास हम पहुंचेंगे, शायद 6 बज जाएंगे भाई हमें पहुंचते। तो वही फाइनली गाइस हम अभी पहुंच चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूं भाई माशू महाराज का मंदिर है जो कि काफी भव्य है, आप लोगों को पता है भाई काफी ज्यादा प्रचलित पूरे उत्तराखंड में माने जाते हैं माशू महाराज, 4 मासू राजा। बहुत सारे भाइयों ने पहचान लिया होगा, ये है माशू महाराज का गेट और नीचे देख सकते हो भाई मंदिर। आप लोगों के लिए गाड़ी रोक के एक बार दर्शन करा देता हूँ 4 मासू राजा। जय हो माशू महाराज अगंत महेश्वर महाराज अपनी कृपा दृष्टि में सबने देख लो भाई एक बार। तो चलते हैं भाई यहाँ से, तो इनको देहरादून जाना है, मुझे परोला जाना है, तो इनके लिए लेट हो रही है भाई, मैं तो पहुँच जाऊँगा लेकिन इनको बहुत दूर जाना है ना।